तो इस तरह चुनाव का बिसात बिछ गया और हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं संविधान में। हमने देखा है कि हमारे इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने उस पद की शोभा बढ़ाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खामोश राष्ट्रपति आए हैं और जो उनको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उसमें बहुत सफल नहीं है। आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत विकट है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ समाज में एक अशांति का वातावरण है और उस अशांति के मूल में एक विचारधारा है जो समाज को बांट कर रखना चाहती है। अब अभी सांप्रदायिक रेखाओं के अनुसार संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो बहुत अच्छी तरह परिभाषित हैं और अगर उनकी अवहेलना कोई करता है तो हम सब उसके पक्ष में खड़े होते हैं, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होगा कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के एक दो लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल है उनकी दो मीटिंग्स हुई, अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूंगा, और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। उसी दिन कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। तो इस तरह चुनाव का बिसात बिछ गया और हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है। मैं यहां पर अपने अभियान के दौरान आया हूं और अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की थी
दिल्ली से सबसे दूर जो जगह है केरला तिरुवनंतपुरम, वहां से और तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री जी, केरला एक ऐसा राज्य है जहां से हमें 100% वोट मिला है, बहुत ही सेक्युलर जगह है और सब लोग इस अभियान में मेरे साथ वहां पर जुटे। उसके बाद वहां से हम लोग चेन्नई गए, कल चेन्नई में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी डीएमके के साथी मुख्यमंत्री स्टालिन जी और उनके अनेक सहयोगी दलों ने वहां पर अपने सहयोग का आश्वासन हमें दिया। आज मैं आपके बीच में हूं और छत्तीसगढ़ से जैसा भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा बड़ा विशेष एक संबंध है। वो संबंध ये है, शायद आप में से बहुत लोग शायद उस समय पैदा नहीं होने वाले, लेकिन लगभग 60 साल पहले मैं यहीं दिल्ली ही आया था जहां मेरी शादी हुई थी, तो इसलिए मैं बराबर एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ से महसूस करता हूं और जब जब यहां आता हूं तो बहुत आनंद आता है। साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं, और अच्छा तो ये होगा कि